जय जवान और जय किसान के नारे वाले देश में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देश की सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों का अपमान होता रहा और देश चुपचाप देखता रहा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को काफी पीछे बिठाया गया। बिजनेसमैन और एक्ट्रेस को जो है वो सबसे आगे बिठाया गया, उनसे पहले बिठाया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल उन्होंने पूछे हैं। क्या ये देश के सशस्त्र सेनाओं का सम्मान है? इस तरह से अपमान हुआ है भारतीय सेना के उन अधिकारियों का जो देश की रक्षा के लिए और देश के भलाई के लिए दिन रात काम करते हैं। सरकार से प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटोकॉल को तार तार करने का काम किया गया है। सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बहुत पीछे बिठाया गया और उनसे आगे बहुत से बिजनेसमैन अभिनेताओं को बिठाने का काम इस सरकार ने के माध्यम से किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम इसकी निंदा करना चाहते हैं। कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या देश की फौज का यही सम्मान है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। ये जय जवान जय किसान का देश है, इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। सरकार इस पे जवाब दे, कौन लोग जिम्मेदार है और किसके ऊपर इसकी कार्रवाई होगी। जय जवान और जय किसान के नारे वाले देश में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देश की सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों का अपमान होता रहा और देश चुपचाप देखता रहा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को काफी पीछे बिठाया गया। बिजनेसमैन और एक्ट्रेस को जो है वो सबसे आगे बिठाया गया, उनसे पहले बिठाया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल उन्होंने पूछे हैं। क्या ये देश के सशस्त्र सेनाओं का सम्मान है? इस तरह से अपमान हुआ है भारतीय सेना के उन अधिकारियों का जो देश की रक्षा के लिए और देश के भलाई के लिए दिन रात काम करते हैं। सरकार से प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटोकॉल को तार तार करने का काम किया गया है। सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बहुत पीछे बिठाया गया और उनसे आगे बहुत से बिजनेसमैन अभिनेताओं को बिठाने का काम इस सरकार ने के माध्यम से किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम इसकी निंदा करना चाहते हैं। कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या देश की फौज का यही सम्मान है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। ये जय जवान जय किसान का देश है, इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। सरकार इस पर जवाब दे, कौन लोग जिम्मेदार हैं और किसके ऊपर इसकी कार्रवाई होगी।